हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे, आपके घर में सब लोग अच्छे से होंगे, परिवार जन मित्रगण सब अच्छे से होंगे। तो कल किसी कारण से मुझे बाहर जाना पड़ा और कल थोड़ा सा इतना इमरजेंसी में था कि कुछ मतलब ना ही डे टाइम में कुछ काम कर पाए ना शाम को कुछ काम कर पाए। कुछ लोगों ने क्यूरियसली मैसेज भी किए थे, तो थैंक यू दोस्तों, हालचाल पूछने के लिए आप सबका धन्यवाद और रीजन पूछने के लिए भी धन्यवाद आप सबका। आज ट्यूसडे है, 6 दिसंबर है, 2 दिन बाद 8 दिसंबर को है गुजरात इलेक्शन के चुनाव का रिजल्ट। तो 2 दिन मार्केट ना बहुत वोलेटाइल होने वाला है, तो जो इंडेक्स ट्रेडर है उनको बड़े ध्यान से ट्रेड करना चाहिए, वोलेटिलिटी बहुत बढ़ेगी। जो क्विक एक्शन ले सकता है, जल्दी बाय करके जल्दी सेल कर सकता है, उसके लिए ठीक है, जो लेके बैठ के सोचता रहेगा वो फंस सकता है। और छोटे ट्रेडर्स को इंडेक्स ऑप्शन के लिए थोड़ा सा बाहर बैठना चाहिए थोड़े 2 दिन के लिए, क्योंकि हो सकता है कि वो उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट ही ना खराब कर दे। और अभी हम बात करते, देखो हम बात करें सर स्विंग ट्रेडिंग की, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, सबसे बेस्ट क्या है? बेस्ट क्या है, पौधा उगाओ फल आए जब फल खाओ। समय देना पड़ेगा ना, समय, टाइम इज मनी। हमारी और आपकी करेंसी क्या सर? आप एक एंटिटी हो, एक आइडेंटिटी हो, आपकी करेंसी क्या है? आपका समय आपकी करेंसी है और बाय डिफॉल्ट ये हर सेकंड कम होता जा रहा है। तो हमको हमारे समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है और उसको समय से ही पैसा जनरेट होता है, तो उस समय को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि वो आप अपने बेस्ट एफर्ट दो और समय आपको बेस्ट एफर्ट दे, बेस्ट पैसा निकाल दे आपके एफर्ट्स का। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे मंत्र डिस्कस करते हैं जो आपके लिए पैसा बना के दे दे, मनी मंत्रा विद दीपक रोहिला। अगर आपने पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, और कंटेंट अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ, कुछ ऐसे मंत्र जो आपको कल इंट्राडे में पैसा बना सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहें शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाएगा। पहला स्टॉक है दोस्तों पूर्वांकरा लिमिटेड। पूर्वांकरा लिमिटेड का अभी हम देखो आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए कि ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है, इसलिए हमने वीकली कैंडल हमने यूज की है, ठीक है जी। वीकली कैंडल में भी आप ये मोशन जो मैं बता रहा हूं, क्या इसको आप आइडेंटिफाई करके कमेंट कर सकते हो कि ये क्या पैटर्न बन रहा है, मैं यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं, बट आप लोगों के लिए मैं कर नहीं रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे आइडेंटिफाई करें और आज वीडियो देख के कंप्लीट करके इस पे कमेंट जरूर करें कि ये क्या पैटर्न बन रहा है और क्या ये पैटर्न का ब्रेकआउट पैसा बना के दे सकता है अपने को। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा 109 पे, हम 120, 140 और 160 इन टारगेट के लिए हम इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे। हमको असेंडिंग ऑर्डर का वॉल्यूम नजर आ रहा है, हमको RSI का अप मूव नजर आ रहा है, ग्रीन कैंडल विद ब्रेकआउट नजर आ रही है, तो क्या हम स्टॉक के साथ जा सकते हैं? दिस इज योर क्वेश्चन टू यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, नोगार कॉर्पोरेशन। कुछ समय पहले डिस्कस किया था 55 रुपीज पे, वीडियो में डिस्कस किया था, जो दोस्त हैं टेलीग्राम पे प्रीमियम ग्रुप पे उधर भी डिस्कस किया था, 55 से 65 हो गया सर, 10 रुपए निकल चुके हैं। तो 10 रुपए आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना परसेंट अपने को मिल चुका है, अराउंड 17-18% निकल चुका है। नेक्स्ट हर्डल अपना है 68-69 का, उसको क्रॉस करते हैं 75-77, देन 85-88। RSI इज लुकिंग गुड, देखो डेली कैंडल में भी असेंडिंग ऑर्डर में RSI है और आप यहाँ चेक कर सकते हो कि RSI बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर, और डेली के बाद आप चाहें तो वीकली कैंडल चेक कर लीजिए सर। जो हमारा शुभचिंतक है, देखो हमने एक शुभचिंतक डिस्कस किया था, ये देखिए शुभचिंतक क्या बोल रहा है, RSI क्या बोल रही है, देखिए सिर्फ एक इंडिकेटर। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, देखने के बाद डिसाइड कीजिए कि अगर आपको अच्छा लगा तो जितने भी दोस्त आपके सर्कल में सबके साथ शेयर कीजिए। एक इंडिकेटर जो हफ्ते दर हफ्ते आपको पैसा बना के देगा, आप स्टॉक का चार्ट ओपन करोगे ये इंडिकेटर आपको बता देगा कि यहाँ पे इसमें एंट्री लेनी चाहिए
या नहीं लेनी चाहिए। तो यही इंडिकेटर दोस्तों, इंडिकेटर बता रहा है कि कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है तो अपमूव के चांस है बड़े अच्छे। स्टॉक अभी वही 65 पे ट्रेड कर रहा है, 69, 75, 85 के लिए हम जा सकते हैं। वॉल्यूम अच्छा है, आरएसआई अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक अरविंद लिमिटेड, इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड हो रहा है, 9 EMA के ऊपर जा रही है कैंडल, क्लोजिंग भी इसके ऊपर आई है तो बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम ग्रीन है, आरएसआई अपमूव में है, हमको क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि हम इसमें बाय कर सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, अभी ट्रेड कर रहा है 101 रुपए के आसपास, 105 और 1030, 1014, ये शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद यहाँ से निकलेगा स्टॉक तो 130 to 145 इस टारगेट के लिए अरविंद लिमिटेड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। क्या आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो? ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट लग रहा है, वॉल्यूम कंफर्मेशन। तो थोड़ा सा आपने एनालिसिस कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए वीडियो के अंदर कि आपने क्या एनालिसिस किया है, क्या इसको लेना सही रहेगा या वेट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक एलगी इक्विपमेंट, एलगी इक्विपमेंट अभी चल रहा है 515 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, यहां से आपको मिल सकता है 535, 565। ये एक रेंज से देखो, ये जो एक थी ना, देखो यहां से ये राउंडिंग बॉटम, ये डब्ल्यू इसने कंप्लीट किया, डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो सकता है, नहीं हुआ साइडवे चला गया स्टॉक, अब यहां से फिर से ब्रेकआउट आया, क्या आपकी बारी ब्रेकआउट रहेगा। वॉल्यूम है, आरएसआई भी अच्छा लग रहा है, 60 का आरएसआई बड़ा अच्छा लग रहा है, तो क्या ये बाहर जाएगा, ऊपर जाएगा, हमारे लिए पैसे बना के देगा। 515-16 ट्रेड कर रहा, 535-565 के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने एनालिसिस कीजिए। स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं 585-485 का स्टॉप लॉस रख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है पंजाब एंड सिंध बैंक। देखो चार स्टॉक थे जो शॉर्ट टर्म के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, ये कैसा स्टॉक जो अपने को पैसा डबल करके दे सकता है, इसमें आपको क्या पैटर्न नजर आता है, क्या ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है दोस्तों। क्या एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है दोस्तों ये। अब 29-30 के राउंड ट्रेड कर रहा है, 35-45, 55-65 इसके लिए आप जा सकते हो, इसके अंदर होल्ड कर सकते हो। मंथली कैंडल हम चेक कर रहे हैं, मंथली में अगर ये 21 से नीचे क्लोज होता है, 21 से नीचे क्लोज होता है तो हमको एग्जिट लेना चाहिए। आरएसआई बड़ी अच्छी लग रही है, तो दोस्तों ये वो स्टॉक्स है जहां पे हम शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं। कल इंट्राडे में भी ये लोग, ये स्टॉक्स हमको पैसा दे सकते हैं, ये ऐसे मंत्र जो आपको इंट्राडे में भी पैसा बना के देंगे, जो शॉर्ट टर्म में भी पैसा बना के देंगे स्विंग ट्रेड करके। तो स्विंग ट्रेडिंग अगर करनी है तो यूज कर सकते हो, इंट्राडे करना है तो यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स दिस स्टॉक्स आर फॉर यू। अगर आपको स्टॉक्स अच्छे लगे हैं, आइडियाज अच्छे लगे हैं तो लाइक करके कमेंट करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि देखो हमारा मोटिव है कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ, फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ हमको ये चैनल भी ग्रो करना है, दिस इज अवर एम। जैसे मेरा एम है कि मैं आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकूं, बट मेरा एम है कि मैं आपकी लाइफ में मैसिव वैल्यू एडिशन कर सकूं। तो क्या मैं वो काम कर पा रहा हूं, क्या मैं आपकी लाइफ में मैसिव वैल्यू एड कर पा रहा हूं, अगर कर पा रहा हूं तो वीडियो के कमेंट में प्लीज यस करके भेजिए सर। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, हम फिर मिलेंगे दोस्तों।